देखिए, आज नारी सशक्तिकरण के लिए एक हमने कार्यशाला आयोजित की गई और उसमें जितनी भी हमारी अधिकारी थी, चाहे वो आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है या प्रांतीय सेवा की अधिकारी है, उन सबको बुलाया और उनसे बातचीत की। और स्कूल की प्रिंसिपल भी आई हैं, एक डॉक्टर भी आई हैं, डिग्री कॉलेज की भी लेक्चरार आई हैं। उन सब से जाना के एक महिला को क्या परेशानी है, एक पढ़ने वाली बच्ची को क्या परेशानी है, तो उसके लिए आज पता चला है कि अनेक समस्याएं आई हैं, उनके समाधान के लिए हम लोग कुछ निष्कर्ष निकालेंगे और महिला को और बच्चियों को सुरक्षा शासन कैसे दे पाए, एक तैयार करेंगे अपना पत्र और शासन को भी भेजेंगे कि महिला की सुरक्षा और बच्चियों की सुरक्षा आज कितनी आवश्यक है। और जो छोटी मोटी कई बातें आई हैं, लाइट नहीं है किसी क्षेत्र में, प्रबंध की सुविधा नहीं है, वो भी उन तक कैसे पहुंचे, जिससे बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पाती हैं सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल जा पाए। दूसरा, जो यहाँ की महिलाओं को एनीमिक हैं, बीमार रहती हैं, कई तरह के उनको परेशानियां रहती हैं, उनके समाधान के लिए भी हमने बात की है अधिकारियों से, उनके लिए समाधान निकालिए। और उत्तराखंड की महिला सशक्त हो, निरोगी हो और उत्तराखंड में अपना पूरा योगदान दे, इन बिंदुओं को लेके ये विचार गोष्ठी है।